आज हम ओट्स केक बनाएंगे उसके लिए हम एक कप ओट्स को पौने कप पानी गर्म पानी में भिगो के रख देंगे और जब तक वो नरम नहीं हो जाते ये क्विक ओट्स हैं आप कोई से भी ओट्स यूज़ कर लें रोल ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं ओल्ड फैशन बस उन्हें गर्म पानी में आपने भिगो के रखना है ऑन द अदर हैंड आप एक वाइट बाउल ले लें ले उसके बीच में हाफ कप ब्राउन शुगर हाफ कप वाइट ग्रैनलेटेड शुगर डालिए और उसके बीच में सेवन uh, टेबल स्पूंस होम मेड बटर है या अनसॉल्टड यू मे यूज और बॉट और इवन शॉर्टनिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं विद द सेम मेजरमेंट्स और uh, जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए बटर और शुगर तो उसके बीच में एक अंडा डालिए एक लार्ज एग ऑफ रूम टेम्परेचर और उसको अच्छे से कर लें इट्स फ्लफ़ी उसके बाद उसके बीच में आप जो हॉट वाटर में आपने सोक्ड ओट्स रखे हैं वो मिक्स कर दें और साथ ही एक कप जो आपने वाइट फ्लोर है वो उसमें बेकिंग सोडा और सॉल्ट उसको सिफ्ट करके आप डालिए सोडा दैट रहा आर नो लम्ब्स और उसे स्पैचुला से मिक्स कर लें बीटर से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है आ, फोक से या स्पेचुला से मिक्स करें इवन इससे पहले जो आपने एग और एग बटर और शुगर को क्रीम किया था वो भी आप फोक से या स्पून से कर सकते हैं या है, हैंड विस्क से बीटर इजेंट दैट नेसेसरी मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया जब आपका बैटर मिक्स हो जाए अच्छे से कि उसमें कोई लंप नहीं बाकी बचा है उसमें थोड़े से गोल्डन रेजेंस डालिए और एक छोटा केक मोल्ड आप ग्रीस कर लें उसके बीच में बेस में पार्चमेंट पेपर लगा लें और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप उसके बीच में अजेंरस टू और थ्री पिंचज ऑफ वाइट फ्लावर आप उसमें डस्ट कर लें इसका एक, एक एक्स्ट्रा इट्स अ टिप जो आपको जब आपका एक केक बेक हो जाएगा ना तो उसके बाद केक को डिश आउट करने में आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आपने केक के ठंडे होने का वेट नहीं भी किया ना गर्म केक भी आप निकालना चाहेंगे तो पार्चमेंट पेपर की बेस भी ग्रीस्ड है ऊपर से बेस भी उसकी ऊपर से टॉप भी उसका ग्रीस्ड है और ऊपर से डस्टेड भी है आपने इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लेना है मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है फ़ैन uh, ओवन है उसके बीच में इसको थर्टी टू मिनट्स लगे आप उसको टूथपिक प्रैक्टिस ब्रेक टेस्ट तक करिए उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दें uh, इसकी आइसिंग को ठंडा या गरम केक से कोई मतलब नहीं है बस आपने कंडेंस uh, मिल्क लेना है उसके बीच में एक टेबल स्पून बटर ऐड करना है और उसके बीच में आपने कोकोनट uh, श्रेडेड आपने डाल देना है ये मेरे पास uh, कच्चा नारियल था मैंने वो हैंड ग्रेटेड बीच में डाला है आप कैंड यूज़ करें या आप ड्राइड यूज़ करें जब वो कंडेंस मिल्क में कुक होगा तो वो उसके श्रेड जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कंडेंस मिल्क थिकन हो जाए और वेल well कोटेड हो जाए इसके ऊपर उसको केक के ऊपर पोर करिए और सर्व करिए इधर हॉट और रूम टेम्परेचर